गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं 5:05 हुए हैं। हम मणिकर्ण में पहुंच चुके थे पिछले तो शाम को। हम सुबह जल्दी उठे हैं नहाने के लिए, क्योंकि इस वक्त यहाँ हम 4-5 बंदों के सिवाय और कोई नहीं है। ये रहे गर्म पानी की कुंड, पानी बहुत ही ज़्यादा है, गर्म है। ये रहा ठंडा करने के लिए या मिक्स करने के लिए ऊपर पाइप से। ऐसे कुंड आपको मणिकर्ण में लगभग बहुत सारे मिल जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे एनडी मामा नारायण नारायण, ये थोड़ा सा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो गाइज, ये रहा राम मंदिर मणिकर्ण का। इसके सामने गेट का काम चला हुआ, साथ में सराय और ये सामने नैना माता मंदिर, ये बाजार, बाजार के पीछे थोड़ा बहुत व्यू। ये है गाइज मणिकर्ण में एक और कुंड, यहाँ देखिए पानी खोलता हुआ। तो लोग अपने चावल, यहाँ देखिए चावल की पोटलियाँ, नीचे चावल डाले जाते सूखे, आलू पकने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ देखिए, ये है कुदरत का करिश्मा। यहाँ देखिए कैसे खोल रहा था। तो गाइस, देवता जी अपने शाही स्नान के बाद घर वापसी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और साथ में हरियाणगढ़ चले हुए हैं। तो हम इस वक्त मणिकर्ण के राइट बैंक में खड़े हैं और यहाँ से ये पुल क्रॉस करके मणिकर्ण रोड में एंटर होंगे। फिर इसके बाद सोल तक बाय रोड 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 चलते जाएंगे। और साथ में देखिए गाइस, ये मणिकर्ण साहिब सिख भाइयों के लिए ये बहुत ही पवित्र जगह है। ये देखिए गाइस, इस तरह हमारे देवता जी पुल क्रॉस करते हुए, ये जो आपको दो शख्स धोतियों में दिख रहे हैं, ये एक देवता के पुजारी और दूसरे देवता के भंडारी हैं। इन्हीं दो जनों के हाथों में ही देवता की पालकी पूरे सफ़र में रहेगी, बाकी दूसरे किसी व्यक्ति को इनको हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और साथ में देखिए गाइस, ये एक बड़ा पेड़ यहाँ गिरा था अपने आप, इसमें जुगाड़ करके लोगों ने देखिए स्टेप बना के यहाँ पुल का डिज़ाइन दिया और इसे क्रॉस कर रहे हैं। स्नान के बाद गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब से विदा लेते हुए अब हम रोड के साथ साथ कसोल तक पैदल चलेंगे। कसोल से इस रास्ते से होते हुए अब इस रास्ते से हम कसोल टॉप की तरफ चलेंगे, कसोल गांव। गाइस, ये रहा कसोल विलेज और टाउन शहर। यहाँ से होते इस रास्ते से होते हुए कसोल के साथ बिल्कुल टॉप में रसोल गांव पड़ेगा, चील का जंगल है। ऐसे होते हुए जाएंगे टॉप, रसोल टॉप, वहाँ स्टे होगा आज के दिन। सोल के बाद यहाँ पहला विश्राम होता कुछ देर के लिए। Thank you.
ये रहा शोल गांव, ये देखिए ये रहा शोल गांव। अरे अरे सिग्नल तो जीरो खड़ा है हेलो दोस्तों, हमने कसोल से चलना शुरू किया था। ढाई तीन घंटे के सफ़र के बाद ये रहा आपका कसोल से ऊपर रशोल गांव। बहुत बड़ा गांव है, यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है, आना पड़ता पैदल। ढाई से तीन घंटे का सफ़र है। अभी हल्की सी बारिश पड़ रही है, मुल्की राज। हेलो दोस्तों, यहाँ से देखिए रशोल गांव का पूरा नज़ारा, पूरे का पूरा गांव देखिए। बहुत बड़ा गांव है, बहुत ही बड़ा गांव। यहाँ लगभग उस नाले तक घर है, यहाँ थोड़ा घनी बस्ती है। यहाँ देखिए अच्छे खासे घर हैं, पर एक ही दुविधा है कि यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं। यहाँ गाइस देखिए, वहाँ कसोल से चले थे, नाले नाले होते हुए ये रशोल गांव। रशोल गांव से भी हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं। ये डारा क्रॉस करके हमारे साथी अभी चले हुए हैं, देवता जी आगे और देवता के साथ बंदे आगे चले गए। ये रहा हमारा ऊपर आज कपड़ा, अब ये रहेगा। ये जो टेंट दिख रहे हैं साथ में, देखिए ब्रास का पेड़। हाय हाय हाय, ये रहा गाइस हमारा आज का रात का पड़ाव। यहाँ कुखे दिख रहे हैं। यहाँ पर 15-20 मिनट का सफ़र अभी बचा हुआ है। तो ये साथ में देखिए, ये हमारा जंगली फूल ब्रास, इसके पेड़ बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। यहाँ देखिए, इन फूलों की खासियत ये है कि इसका जूस, चटनी और सुखा के इसे दवाई के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलेंगे अगली लोकेशन पे। गाइस शाम के 7:24 हुए हैं, तो हम अभी अपने इस टेंट में बैठ चुके हैं। विपिन भाई, ये हमने अपना वो जुगाड़ मिनी पोर्टेबल स्टोव ऑन कर दिया है। तो हम आज ज़्यादा कुछ ना करते हुए बिरयानी टाइप अपना अमेरिकन पुलाव, मटर मशरूम, चावल हमने गर्म पानी होने रखा है इसमें, इसको तैयार कर रहे हैं। ये हमने सब्जी वाला पोर्शन ना रख दिया, बासी चावल के लिए हम गर्म पानी कर रहे हैं। आज जरा हमारी लकड़ियां गीली थी, अभी अंधेरा भी हो गया है। देखिए गाइस बाहर हमारा डिनर टाइम, हमने अमेरिकन पुलाव बनाया था और देखिए हमने अपना बर्तन भी खाली कर दिया है। ये रही थालियाँ, थालियों में मूल बटर के साथ हम पुलाव का मज़ा ले रहे हैं। ये रहा विपिन भाई, पवन भाई। तो मेरा फ्रंट कैमरा ऑन नहीं होता है, तो नहीं तो मैं खुद को भी दिखा देता। देखिए ये हमने 3 लीटर का कुकर ख़त्म कर दिया है गाइस। हमारा डिनर टाइम आ जाते हैं कल ब्रेकफास्ट में। अब अंधेरा हो गया, रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट, मिलेंगे अर्ली मॉर्निंग एक नए पड़ाव के साथ डेस्टिनेशन।